टीवी एक्टर गौतम रोड़े पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में थे। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव होकर कहा था कि इस बार उनका आखिरी बर्थडे होगा। ये सुन उनके फैंस काफी परेशान हो गए थे और सबके जहन में एक सवाल था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। इस बात की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम गौतम रोड़े से मिलने काल भैरव रहस्य 2 के सेट पर जा पहुंची। जानकारी के लिए बता दें कि गौतम जल्द सीरियल काल भैरव रहस्य 2 में नजर आने वाले हैं। इसमें वो वीर का कैरेक्टर प्ले करते दिखेंगे। काल भैरव रहस्य 2 में वीर बने गौतम ने बताया कि मेरे खानदान पर 150 साल पुराना श्राप है। मेरे दादाजी, पिताजी, परदादाजी और उनके परदादा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए क्योंकि उन पर श्राप था कि वो 30 साल से पहले मर जाएंगे और हमारे खानदान का कोई भी वंश नहीं बचेगा। मेरे परदादा के परदादा ने काल भैरव के मंदिर में कुछ गलत किया था तो वहाँ की एक महिला ने श्राप दिया था कि हमारे खानदान का कोई भी वंश 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। 150 साल से ये प्रथा चली आ रही है। पहली बार सुनने पर मुझे लगा कि ये सच में कुछ अलग है। कभी तो मिस्ट्री थ्रिलर होता है या मैन मेड या फिर भगवान की तरफ से कुछ बन जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि आपको इस रोल में से ढूंढना है। अगर आपको पता है कि कहानी यहाँ से शुरू हो यहाँ खत्म होनी है तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया पूरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।